नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme X7 Pro वर्सेस Vivo V20 से का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme X7 Pro में 6.33 इंच जबकि Vivo V20 से में 6.34 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Realme X7 Pro में 2.96 इंच जबकि Vivo V20 से में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Realme X7 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Realme X7 Pro में 0.33 इंच जबकि Vivo V20 से में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme X7 Pro में 184 ग्राम्स जबकि Vivo V20 से में 171 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme X7 Pro में सुपर AMOLED जबकि Vivo V20 से में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme X7 Pro में 6.55 इंचेस जबकि Vivo V20 से में 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme X7 Pro में 85.66% जबकि Vivo V20 से में 84.04% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme X7 Pro में 402 पिक्सल प्रति इंच जबकि Vivo V20 से में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme X7 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo V20 से की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme X7 Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo V20 से की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme X7 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Vivo V20 से में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme X7 Pro में Mali G77 MC9 जबकि Vivo V20 से में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme X7 Pro में MediaTek Dimensity 1000+ MT6889Z और Vivo V20 से में Qualcomm Snapdragon 665 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme X7 Pro में नहीं है, जबकि Vivo V20 से में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 Qt देखने को मिलती है। बैटरी Realme X7 Pro में 4500 mAh जबकि Vivo V20 से में 4100 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Realme X7 Pro 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Vivo V20 से की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 19,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme X7 Pro में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V20 से की तो उसमें 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Realme X7 Pro आगे है, मेन कैमरा में Realme X7 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme X7 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 Pro है जो कि 17,599 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme X7 है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo V20 Pro है जो कि 29,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F62 है जो कि 22,399 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।